आज नगीना से आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार चंद्रशेखर आजाद अपनी टीम के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। उनका कहना था कि हल्दौर चौराहे के पास सड़क दुर्घटना के मृतक और जख्मी लोगों के आश्रितों को सरकारी नौकरी और मुआवजा मिलना चाहिए। यह एक्सीडेंट 29 अप्रैल को हल्दौर चौराहे के पास हुआ था, जिसमें एक थ्रेशर मशीन को DCM ने टक्कर मार दी थी। इस घटना में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई थी और कई लोग जख्मी हो गए थे। उनमें कई लोग ऐसे भी शामिल थे जो अपने घर में अकेले ही कमाने वाले थे। इसी को लेकर आज चंद्रशेखर आजाद जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और मृतकों और घायलों को मुआवजा दिए जाने की मांग रखी। ये हमारे जिले की टीम है, अभी जो हल्दौर में एक्सीडेंट हुआ जी, इसको लेके ज्ञापन जिलाधिकारी जी के माध्यम से मुख्यमंत्री नाम प्रसिद्ध किया है और वो ज्ञापन ये है कि 2 लोगों की जान गई है, एक व्यक्ति का पैर कट गया है, एक व्यक्ति को आंखों से दिख नहीं रहा है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ऐसी निकम्मी सरकार, ऐसे निकम्मे अधिकारी बैठे हैं कि वो उसका संज्ञान लेने के लिए आकलन परिवार को पहुँचे। यहाँ अगर जानवर मर जाता है तो उसका संज्ञान लिया जाता है, लेकिन इंसान मरता है तो किसी को तकलीफ नहीं होती। ये इस सरकार से, सरकार का जो प्रशासन है उससे हमारी बहुत बड़ी शिकायत है। जिलाधिकारी हों या जिले के और बड़े अधिकारी, सबकी जिम्मेदारी बैठती है, कम से कम उनके आंसू तो पूछने जाते हैं, अस्पतालों में उनकी जेब काटी जा रही है। ये लापरवाही है दूसरे व्यक्ति की, जिसकी गलती की वजह से वो गरीब लोग हैं, कर्जा ले लेके इलाज करवा रहे हैं, लेकिन प्रशासन को फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो कोई सूद नहीं ले रहा उनकी। इसलिए आपने ध्यान, इसलिए मैं उनके पास आया कि जागो, कुछ मेरा काम है जो सोया हुआ है उसको जगाया जाए। और हमने मांग रखी है कि उनको 25-25 लाख रुपए का मुआवजा, जो मृतक और जो गंभीर रूप से घायल है उनको 10-10 लाख रुपए का मुआवजा, उसको बताऊंगा विषय क्यों। और एक एक सरकारी नौकरी की व्यवस्था उनके परिवारों के लिए, जो इनके परिवारों से लोग चले गए। अब आप महसूस किए, एक परिवार में एक व्यक्ति कमाने वाला वो इस दुनिया चला गया, उसके बच्चों का क्या होगा? किसी की 2 बेटियाँ, किसी की 3 बेटियाँ, किसी की 4 बेटियाँ, किसी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा? उनकी पत्नियों का क्या होगा? उनके घर कैसे चलेंगे? जिनकी टांग कट गई है उसका क्या होगा? जो काम पर नहीं जा पा रहा है, वो तो काम पर निकले थे, ये सरकार रोजगार तो दे नहीं पाई है, वो तो काम पर निकले थे, अचानक से साइड में खड़े हुए और गाड़ी ने आके टक्कर मार दी। तो जवाब इनका बैठता है, जिम्मेदारी इनकी बैठती है, लेकिन ये काम हमें करना पड़ रहा है क्योंकि हम जनता के सेवक हैं, जनता ने हम पे भरोसा दिखाया, तो हम जनता की आवाज़ उठाने के यहाँ आए। उम्मीद है ये जाग जाएं तो बहुत अच्छा होगा, वरना तो फिर जनता की आवाज़ उठाने के लिए अधिकारियों को जगाना, प्रशासन सरकार जगाना भी हम चाहते हैं। धन्यवाद।